स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस PSAQS आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, PSAQS टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में या और एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देनी है, मतलब वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स से अपने को ये कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, इन ब्रैकेट्स को a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से पहले ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस टू ए बी करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट को ओपन करो a माइनस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो फोर माइनस टू ए बी करेंगे तो माइनस फोर एक्स प्लस ऐसी थर्ड वाले ब्रैकेट को भी ओपन करो, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो नाइन माइनस टू ए बी करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर थ्री टाइम्स है तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म वन प्लस फोर फाइव प्लस नाइन फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप इस इक्वेशन के कितने रूट्स रियल है वो हमको पता लगाना, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स है भी या नहीं, तो इक्वेशन के रूट रियल है या नहीं है ये पता लगाने के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, और वो डी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गया तो इसके रियल रूट्स होंगे, और अगर डी कभी लेस देन जीरो आ जाए तो उसके रूट जो होंगे वो इमेजनरी होंगे। डी लेस देन जीरो आ जाएगा तो उसके कोई भी रियल रूट नहीं होगी, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं उसके बाद पता चलेगा अपने को कि इसके रियल रूट है या इमेजिनरी रूट्स। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं बी, बी की वैल्यू इसको अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व और सी इज इक्वल टू फोर्टीन, तो बी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व है, माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री इंटू सी की वैल्यू कांस्टेंट फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर वन फोर्टी फोर माइनस फोर थ्री जै ट्वेल्व और ट्वेल्व में फोर्टीन का इंटू करेंगे तो फोर्टीन टू जै ट्वेंटी एट टू टू बचा फोर्टीन वन जा फोर्टीन और टू सिक्सटीन वन सिक्सटी एट माइनस का और 144 प्लस का तो माइनस करेंगे तो माइनस 8 माइनस 4 करेंगे 4 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 माइनस 24। अब देखिए ये माइनस 24 आ रहा विच इज लेस देन 0, माइनस 24 जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है जो लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ गया, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहता है उसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, नॉट रियल रूट्स बोलते हैं उसको। तो जब इसके रूट ही रियल नहीं है तो कोई भी रियल रूट इसके नहीं आएंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे, सारे के सारे रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे, तो बस नंबर ऑफ रियल रूट्स अपने को पता लगाना था, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन राइट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रहते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा के प्लेस पे ए दिया और बीटा के प्लेस पे बी दिया हुआ, तो आपको वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे ए है और बीटा के प्लेस पे बी है इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, देखो इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो बी इज इक्वल टू माइनस पी आएगा, बी के प्लेस पे माइनस पी अपॉन ए, ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन,
को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस पी हो जाए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, विच इंप्लाइज अल्फा के प्लेस पे ए है और बीटा के प्लेस पे बी है, इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो सी की वैल्यू क्यू और ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो ए भी आ गया आपका क्यू। अब हम 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपने पास में ए प्लस बी की वैल्यू आ गई पी और ए बी की वैल्यू क्यू, तो देयरफॉर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा बी का इंटू 1 में कर दिए, प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ए का इंटू 1 में कर दिए, इस बी प्लस ए को ए प्लस बी बोल सकते हैं और ये भी दोनों की वैल्यू अपने पास वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू है पी, ये पी और ए बी की वैल्यू है क्यू, यही आपका आंसर हो गया पी अपॉन क्यू। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ऐसे आप ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, देखिए इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दिया है, सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये कंडीशन दी हुई है, देन राइट द वैल्यू ऑफ पी, तो ये जो मिसिंग पी दिख रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा और उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू ये माइनस और बी की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो बी इज इक्वल टू माइनस पी, माइनस पी और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ये माइनस माइनस का प्लस पी हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, देखिए सी की वैल्यू है कॉन्स्टेंट 16 और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो C इज इक्वल टू 16 और A की वैल्यू 1, ये क्या आ गया आपका अल्फा बीटा आ गया आपका 16। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, अब ये कंडीशन थी हुई इसको ले लेते हैं, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, इस इक्वल टू 9, देखो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो वापस आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, मैंने माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल होकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख के सॉल्व करो, व्हिच इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी और इसका स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 16, तो ये 16 इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, ये पी स्क्वायर माइनस 16 टू जा 32 इज इक्वल टू 9, विच एम्प्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 32 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस माइनस 32 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 32, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 9 41, मेरे को पी की वैल्यू चाहिए तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 41, जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, अंडर रूट 41, तो p इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 41, यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, देखिए 2 प्लस रूट 3 जो इसका एक रूट है, देन राइट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, तो ये जो पी और क्यू दिख रहा है इनकी वैल्यू लिखना है, ये जो रूट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हम एक्स के प्लेस पे ये 2 प्लस रूट 3 रख देते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस पी और एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये 2 प्लस रूट 3 इस इक्वेशन का रूट था तो हमने इससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, अब इसको सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल दो, करो इसको सॉल्व, विच एम्प्लाइज इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करें, a स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 2ab करेंगे तो 2 टू जा 4 रूट 3 प्लस इसमें p का इंटू कर दो ब्रैकेट में, हो जाएगा 2p प्लस
रूट थ्री पी और प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो और सॉल्व करो, फोर प्लस थ्री सेवन प्लस फोर रूट थ्री प्लस टू पी प्लस क्यू प्लस रूट थ्री पी, ऐसा लिख लिए इसको, इज इक्वल टू जीरो। अब अपने को पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इन तीनों टर्म को ही रहने दो और ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। तो विच एम्प्लाइज 2p प्लस क्यू प्लस रूट थ्री पी इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस फोर रूट थ्री। अब देखो इसमें ये एक टर्म रूट थ्री पी वाली है और ये माइनस फोर रूट थ्री वाली टर्म है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 2p प्लस क्यू और ये माइनस सेवन को कंपेयर करें। तो ऑन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स को कंपेयर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस सेवन, इसको एक इक्वेशन दे दो, एंड रूट थ्री पी इज इक्वल टू माइनस फोर रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कंपेयर हो जाएगा तो पी इज इक्वल टू माइनस फोर। तो देखो पी की वैल्यू तो आ गई अपनी माइनस फोर, अब अपने को क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इस पी की वैल्यू माइनस फोर को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पी के प्लेस में माइनस फोर रख दो, तो टू इंटू माइनस फोर प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये क्यू इज इक्वल टू माइनस सेवन और ये टू फोर जो माइनस एट होगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस एट, विच एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सेवन माइनस सेवन प्लस एट वन हो जाए, बस ये क्यू की वैल्यू आ गई आपकी, तो पी इज इक्वल टू माइनस फोर और क्यू इज इक्वल टू वन, ये आपके आंसर हो गए। तो ऐसे आप पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, If the difference between the roots of equation x square plus ax plus 8 is equal to 0 is 2, देखिए ये एक quadratic equation है, इसके roots का जो difference है वो 2 दिया है, तो roots को अगर अपन alpha और beta ले ले, तो alpha minus beta is equal to 2 दिया हुआ, write the value of a, तो ये missing a है, इसकी value calculate करते हैं। देखिए difference between the roots 2 दिया हुआ है, तो ये है alpha minus beta is equal to 2, ये given है। अब इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा, तो उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से अपन वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ये ए और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए होता है। यहाँ देखो C के प्लेस पे कितना दिख रहा है, एट और A की वैल्यू है वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन, एट अपॉन वन ये एट होगा। अब देखो अपने पास में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी, एक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, सेंस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा। देखो इसको चेक करके देखो, दोनों साइड बराबर आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा आएगा, इसको सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आएगा, सामने माइनस है तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इसके प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस टू अल्फा बीटा आएगा माइनस का इनटू करेंगे तो प्लस टू अल्फा बीटा, और इसमें से एक प्लस टू अल्फा बीटा आएगा, तो टू अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा बीटा फोर अल्फा बीटा के इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे आप तो फोर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अपने पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी रख दो इनको, ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा माइनस ए और इसका स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और अल्फा बीटा की वैल्यू है एट, सारी वैल्यू रख दिया मैंने, इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई, विच एम्प्लाइज माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस, ये ए स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर इज इक्वल टू फोर एट जा थर्टी टू, विच एम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 32 एज इट इज माइनस फोर को शिफ्ट करेंगे तो प्लस फोर, विच एम्प्लाइज
ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 36 हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वेयर रूट ले लो तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। जब भी अपन दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लेते हैं या इवन पावर रहती है तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, बस यही आपकी ए की वैल्यूज होगी। तो ऐसे आप ए की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this VSAQS exercise, we will continue from the next class. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके, बाय।